हेलो दोस्तों, माहिष्टी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से में जमींदार उपस्थित थे और मुगलकालीन भारत की कृषि संरचना में उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। कृषि की जमीनों के स्वामी होने के अलावा जमींदारों के एक अच्छे खासे वर्ग को अपने गांवों से मालगुजारी की वसूली का पुश्तैनी अधिकार प्राप्त था। मालगुजारी वसूल करने के बदले जमींदार उसमें से एक हिस्सा पाता था। जमींदार अपनी जमींदारी में आने वाले सभी जमीनों का स्वामी नहीं होता था। जमीन पर वह वास्तव में खेती करने वाले किसान जब तक मालगुजारी देते रहते थे वह बेदखल नहीं किए जा सकते थे। इस तरह जमीन में जमींदार और किसानों के अपने अपने वंशानुगत अधिकार थे। जमींदारों के ऊपर राजा होते थे जो छोटे बड़े भूखंडों के स्वामी होते थे तथा उन्हें कम या अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी। जमींदारों और राजाओं के अपने अपने सैनिक दल होते थे। इन जमींदारों की मध्यकाल में संख्या काफ़ी बड़ी थी। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के काल में इनके पास 384,558 सवार, 42,77,057 पैदल सैनिक, 1,863 हाथी और 4,260 तोपे थी। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य के हर हिस्से में जमींदार मौजूद थे और इन जमींदारों का कार्य था कि किसानों से टैक्स लेकर सरकार को देना और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखना। लेकिन दोस्तों, ज़मीनों पर इनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। ज़मीनों के मालिक जो थे वो किसान ही थे। जब तक किसान जमींदारों को नियमित रूप से टैक्स देते रहते थे तब तक जमींदार उनको उनके खेतों से बेदखल नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से जमींदार और किसानों का मुगल साम्राज्य में एक तरीके का पुश्तैनी अधिकार था। और दोस्तों, इन जमींदारों के ऊपर छोटे छोटे राजा होते थे जिनको अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान होती थी। और कहा जाता है कि उस समय जमींदारों और राजाओं के पास बहुत बड़ी सेना भी हुआ करती थी, जिसका प्रमाण हमें अबुल फजल की किताब आईने अकबरी से मिलता है। जमींदारों का यह अधिकार अनुवांशिक था, अर्थात जमींदार के उत्तराधिकारी इसके वित्तीय लाभों को आपस में बांट सकते थे और इलाके के कानून के अनुसार जमींदारी के विशेष अधिकारों को ग्रहण कर सकते थे। जमींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त होते थे जिनका उपयोग उनके पूर्वज और वंशज किसी खास गांव के निवासियों पर पहले से करते आ रहे थे। तो दोस्तों, मुगल काल में जमींदारों का यह अधिकार अनुवांशिक था। जमींदार के मरने के बाद जो जमींदार का कर्तव्य होता था वो उसके बेटे के पास हस्तांतरित हो जाता, जिसके बाद वो जो है राज्य के किसानों से टैक्स लेना चालू कर देता था। और यह जमींदारी अधिकार केवल मुगल के काल में ही नहीं था, ये इससे पहले से ही चलता आ रहा था, क्योंकि जो जमींदारों के पूर्वज होते थे वो भी अपने समय से जो है किसानों से टैक्स लिया करते थे। पूर्वी राजस्थान में अपनी व्यक्तिगत जमीन पर खेती कराने के लिए जमींदारों ने वसीदारों को बसाया था। इस प्रकार शासकीय वर्गों ने जमींदारी अधिकारों को जन्म दिया, बल्कि वह उनसे पहले से ही कायम थे। हालांकि जहां जमींदारी नहीं थी वहां राजा गांव में जमींदारी निर्मित कर सकता था। वह किसी जमींदार को उसके पद से भी हटा सकता था। मुगल शासकों ने जमींदारों के अधिकार को वैधता प्रदान की, परंतु उन्होंने बराबर यह प्रयत्न किया कि वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व वसूल करें। जमींदारों ने जब से सरकार को राजस्व वसूल करने में मदद करने का काम शुरू किया कर दिया तब से उसे इस सेवा के लिए कुल राजस्व का एक खास प्रतिशत मिलने लगा। सरकारी आंकड़ों में इसे 10% बताया गया और इसे नाना कर कहा गया है। तो दोस्तों, कहीं कहीं ऐसा होता था कि जमींदारों द्वारा गांवों को बसाया जाता था और उनसे टैक्स लिया जाता था, और साथ ही साथ ये कार्य राजा भी करते थे कि वो भी जो है टैक्स के लिए गांवों को बसाते थे। और यदि कोई राजा अगर गाँव को बसाता था तो वो वहाँ पर अपने हिसाब से किसी को भी जमींदार नियुक्त कर सकता था और उसके पद से उसको हटा भी सकता था। इसलिए मुगल शासकों ने भी जमींदारों को इस तरीके से नियंत्रित किया कि वह जमींदार मुगल शासकों के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। और जब से जमींदारों ने यह कार्य शुरू कर दिया तब से उनको 10% जो है टैक्स में से हिस्सा मिलने लगा, जिसे नाना कर कहा जाता था। जब मुगल प्रशासन जमींदारों से नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों से राजस्व वसूल करते थे तो उसे कुल राजस्व में से कुछ हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था, जिसे मालिकाना कहते थे, और यह भी कुल वसूली राशि का 10% हिस्सा होता था। दक्कन में इसे चौथ कहते थे। वहाँ पर जमींदारों का एक अन्य वित्तीय दावा सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता था, जो कुल राजस्व का 10% होता था।
तो दोस्तों, जब मुगल शासक जमींदारों को उनके द्वारा वसूले गए कर में से कुछ हिस्सा देते थे, तो उस कर को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से बुलाया पुकारा जाता था, जैसे मालिकाना, चौथ, सरदेशमुखी, इस तरह के नामों से जो है इसको बुलाया जाता था। अपने वित्तीय दावों के अलावा ये जमींदार किसानों से कई प्रकार के उपकर और नजराने वसूल किया करते थे। इनमें से कुछ है बस्तर शुमारी, गृह कर, विवाह और जन्म आदि पर कर। जमींदार अपने इलाके के साप्ताहिक बाजारों से भी कर वसूलते थे। कई बार अपने क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। इसके अलावा राजा, राव, राणा और रावत जैसे कुछ सरदार या सामंत होते थे जो अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते थे और साम्राज्य प्रशासन के बिना किसी हस्तक्षेप के शासन किया करते थे। उन्हें केवल राजा को नजराने के रूप में एक निश्चित राशि देनी होती थी। वह किसानों से जितना वसूल करते थे उसका एक खास हिस्सा शासक को दे दिया करते थे और शेष राजस्व पर उनका अधिकार होता था। एक बार पेश दे लेने के बाद उनके आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, यह जमींदार किसानों से टैक्स के अलावा उपकर और नजराने भी वसूल किया करते थे, जिसमें बस्तर शुमारी, गृह कर, विवाह और जन्म आदि पर कर शामिल है। और साथ ही साथ ये अपने इलाके में लगने वाले बाजारों से भी टैक्स लेते थे, और यदि कोई व्यापारी इनके इलाके से गुजरता था तो ये लोग उनसे भी टैक्स लिया करते थे। और इसी तरह उस समय कुछ राजा, राव, राणा और रावत जैसे कुछ सरदार और सामंत थे जो इनको अपने इलाके में स्वायत्तता प्रदान थी, और ऐसा नहीं था कि ये लोग टैक्स नहीं देते थे। ये लोग एक तरीके का टैक्स भी जो है राजा को देते थे, और उस टैक्स को देने के बाद कोई भी जो है इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इरफान हबीब के अनुसार जमींदारों और स्वायत्त सरदारों के बीच का अंतर केंद्रीय शक्ति से उनके संबंधों पर आधारित था, जिनके द्वारा सरदारों को तो स्वायत्तता प्रदान की गई थी किंतु साधारण जमींदार राजा की विशेषाधिकार प्राप्त प्रजा के समान थे। तो दोस्तों, इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि जमींदारों और सरदारों के बीच का जो अंतर था वो उनका केंद्रीय शक्ति से जो मुगल शासक थे उनके साथ संबंधों पर आधारित था, और इन्हीं मुगल शासकों के द्वारा जो सामंत सरदार थे उनको स्वायत्तता प्रदान थी, जबकि जमींदारों को इस विशेषाधिकार से अलग रखा गया था और उन्हें एक प्रजा के समान माना जाता था। जमींदारों के पास अपनी पैदल और घुड़सवार सेना होती थी। सेना की सहायता से वह किसानों से राजस्व वसूल करते थे और उन्हें दबाया करते थे। लगभग सभी जमींदारों के पास अपने छोटे या बड़े किले होते थे। आईने अकबरी के अनुसार मुगल साम्राज्य में जमींदारों की सेना में 44 लाख से ज़्यादा सिपाही थे। बंगाल में उनके पास हजारों नावें थीं। ये जमींदार भू राजस्व वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, इसलिए इनमें से कुछ को राजस्व वसूल करने की दृष्टि से चौधरी की उपाधि दे दी जाती थी। परगना के मुख्य जमींदार को चौधरी नियुक्त किया जाता था। आमतौर पर एक परगना में एक चौधरी होता था। चौधरी को अपने परगने के अन्य जमींदारों से कर वसूलना होता था। अपने परंपरागत नानाकर के अतिरिक्त चौधरियों को वसूले गए इस राजस्व में से भी अलग से हिस्सा मिलता था। इसे चौधराई कहते थे और ये कुल वसूले गए राजस्व का 2.5% होता था। जमींदारों के विपरीत चौधरी की नियुक्ति राज्य करता था और उसे ठीक ढंग से काम ना करने पर हटाया जा सकता था। तो दोस्तों, इन जमींदारों के पास पैदल सेना और घुड़सवार सेना होती थी, जिसकी सहायता से यह जमींदार किसानों से टैक्स वसूला करते थे। और आईने अकबरी में कहा गया है कि मुगल साम्राज्य में जितने भी जमींदार थे उनके पास लगभग 44 लाख से ज़्यादा सिपाही थे। और दोस्तों, उस समय कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर कई सारे जमींदार होते थे, तो वहाँ पर एक जमींदार ऐसा नियुक्त किया जाता था जिसको चौधरी कहा जाता था। ये अन्य जमींदारों से टैक्स वसूल करता था और उस वसूले गए टैक्स में से वो 2.5% अपने पास रखता था और बाकी जो है राज्य को सौंप देता था। और इस तरह जो है इसको दो प्रकार से कर प्राप्त होता था, एक तो इसका व्यक्तिगत नाना कर और दूसरा जो ये राज्य को जमींदारों से लिए गए कर को जो देता था राज्य को उससे प्राप्त कर। और इन जमींदारों की जो नियुक्ति थी वो राज्य स्वयं करता था और राज्य इन्हें हटा भी सकता था। जमींदारी के स्वरूप में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अंतर है। राजस्थान के ऐसे जमींदार जो परंपरागत भूमि के स्वामी होते थे, अर्थात जिन्हें भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी तथा जिन्हें आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, उन्हें भूमिया कहा जाता था। ऐसे जमींदार जिन्हें पट्टा द्वारा भूमि प्राप्त हुई थी ग्रासिया कहलाते थे। गुजरात में भूमि दो भागों में विभक्त थी। एक तो ऐसी भूमि जो व्यक्तिगत किसानों के अधिकार में थी रैयत कहलाती थी, दूसरी तालुकदार या जमींदारों की भूमि थी। इतिहासकार नूरुल हसन के अनुसार जमींदारों की तीन श्रेणियाँ थीं।
स्वायत्त जमींदार, मध्यस्थ जमींदार तथा प्राथमिक जमींदार। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य में जमींदारी के स्वरूप में भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थोड़ा अंतर था। जैसा कि राजस्थान में, वहाँ पर जमींदारों को राज्य द्वारा भूमि प्रदान की गई थी और उस भूमि पर उनकी एक आंशिक स्वायत्तता भी प्राप्त थी और इसलिए उनको भूमिया कहा जाता था। और ऐसे जमींदार भी मौजूद थे जिनको भूमि पट्टे पे दी गई थी और उन्हें ग्रासिया कहा जाता था। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में जो ज़मीन थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक ज़मीन वह थी जो किसानों के अधिकार में थी, जिसे रैयत कहा जाता था, तो दूसरी ज़मीन वह थी जो तालुकदार और जमींदारों के अधिकार में थी। इसलिए इतिहासकार नूरुल हसन कहते हैं कि जमींदारों की उस समय तीन श्रेणियाँ थी, पहली स्वायत्त जमींदार, दूसरी मध्यस्थ जमींदार तथा तीसरी प्राथमिक जमींदार। मुगल काल में यदि किसी जमींदार के स्वायत्त वाले इलाके में विद्रोह होता था तो उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दमन करेगा। यदि वह इस कार्य में असफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी उससे छीन ली जाती थी और उसे किसी बड़े राजघराने के व्यक्ति को सौंपकर जमींदार बना दिया जाता था। स्रोतों से पता चलता है कि यह जमींदार मुगल प्रशासन के खिलाफ भी विद्रोह करते थे। मुगलों के खिलाफ सबसे ज़्यादा विद्रोह बिहार में किए गए, क्योंकि यह अपनी भौगोलिकता के कारण मुगल राजधानी से काफ़ी दूर था। तो दोस्तों, मुगल काल में यदि किसी जमींदार के इलाके में विद्रोह होता था तो उस जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह इस विद्रोह का दमन करेगा, और वो यदि इसको दमन करने में असफल रहता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और वो जमींदारी किसी अन्य राजघराने के व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। और मुगल काल में ऐसे बहुत से विद्रोह हुए और सबसे ज़्यादा विद्रोह बिहार में हुए, क्योंकि जो बिहार था वो मुगलों की राजधानी से काफ़ी दूर भी था। जमींदारों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कई कारण थे, जिसमें से एक था इकट्ठा किए गए राजस्व में से राज्य को निर्धारित कर की अदायगी ना करना जमींदारों को विद्रोह के मार्ग पर ढकेल देता था। इन जमींदारों को मुगलों का विरोध करने के लिए जातीयता के आधार पर उन अधिकारियों का समर्थन मिलता था जो मुगल सेवा में कार्यरत थे। यह जमींदार राजनीतिक अराजकता का लाभ भी उठाते थे। जब भारतीय राजकुमार और जागीरदार मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करते थे तो ये जमींदार इस स्थिति का फायदा उठाकर उनको सहायता प्रदान करते थे और विद्रोह में शामिल हो जाते थे। तो दोस्तों, मुगल काल में जमींदारों ने भी विद्रोह किए, और सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में विद्रोह किया गया। और इन जमींदारों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कई कारण थे। एक तो यह था कि राज्य जो इनसे कर प्राप्त करता था, ये कभी कभी उसमें कटौती कर राज्य को कम कर देते थे, और कभी कभी ये जमींदार उन अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त करते थे जो मुगल साम्राज्य में कार्यरत थे और जिनके साथ इनके नातेदारी के संबंध थे। और इन्होंने मुगल साम्राज्य में उस समय भी विद्रोह किया जब मुगल साम्राज्य में राजनीतिक अराजकता आई, जैसे राजकुमार और जागीरदार द्वारा मुगल साम्राज्य के खिलाफ जब विद्रोह किया जाता था तो ये जमींदार भी जो है उस समय इन राजकुमारों और जागीरदारों को जो है सहायता प्रदान करते थे और विद्रोह में शामिल हो जाते थे। मुगल बादशाह भी उत्तराधिकार की लड़ाई में इन जमींदारों का समर्थन प्राप्त करते थे। शाहजहां के बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों ही पक्षों ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए जमींदारों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, इसलिए यह जमींदार राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। हालांकि मुगल बादशाह भली भांति जानते थे कि जमींदारों के साथ उनके संबंध उनके सामान्य हितों पर आधारित है। मुगल शासनकाल में कुछ सरदारों ने भी जमींदारों की भूमिका निभाई और साम्राज्य विस्तार में सहायता की। तो दोस्तों, मुगल शासक भी जो है कभी कभी इन जमींदारों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते थे, और यह शाहजहां के समय हुआ जब उसके दोनों बेटे आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, तब दोनों ने ही जो है इन जमींदारों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। और मुगल जानते भी थे कि उनके जो जमींदारों के साथ संबंध है वो एक दूसरे के व्यक्तिगत हितों पर आधारित है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ उस समय कुछ ऐसे सरदार थे जिन्होंने जमींदारों की भूमिका निभाई और मुगल साम्राज्य के विस्तार में सहायता की। अकबर के शासनकाल में बिहार के गिद्धौर के सरदार को मुगल शासन के अधीन लाया गया। गिद्धौर के सरदार ने मुगलों के बंगाल में साम्राज्य का विस्तार करने में सहायता प्रदान की। अब्दुल फजल ने अपने लेख में राजा संग्राम, जो कि खड़गपुर का जमींदार था, अकबर के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण सरदार था। यह जहांगीर के प्रारंभिक वर्षों तक मुगल साम्राज्य का वफादार बना रहा। इन सरदारों और मुगल शासकों के बीच भी निरंतर संघर्ष होते रहते थे, जिसका अंत समझौते द्वारा किया जाता था। मुगल बादशाहों द्वारा इन सरदारों को
स्थायी तौर पर बहिष्कृत नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, ये जो सरदार होते थे ये मुग़लों के प्रति काफ़ी वफादार होते थे। जैसे कि बिहार के गिद्धौर के सरदार ने जो है बंगाल में विस्तार करने के लिए मुग़लों को सहायता प्रदान की, तो वहीं दूसरी तरफ अकबर के शासनकाल में जो है राजा संग्राम ने भी इसी तरह का कार्य किया और मुग़लों के प्रति अपनी वफादारी जताई। और मुग़ल शासकों के साथ इन सरदारों के भी संघर्ष होते रहते थे, लेकिन इनके जो संघर्ष का अंत होता था वो किसी समझौते पर होता था, क्योंकि मुग़ल शासक अच्छे से जानते हैं कि अगर वो इनको पूरी तरीके से बहिष्कृत कर देंगे तो उनका राजनीति में जो उनकी पकड़ है, जो उनका प्रशासनिक शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाएगी। जमींदारों को मात्र ज़मीन पर नियंत्रण के लिए लड़ने वाले और अपने वर्चस्व वाले क्षेत्रों में किसानों का शोषण करने वाले व्यक्ति मानना सही नहीं होगा। अनेक जमींदारों के अपनी जमींदारी और भूस्वामी कृषक जातियों के साथ जातिगत और नातेदारी के संबंध होते थे। ये जमींदार गांव बसाने या कृषि का प्रसार और सुधार करने के लिए पूंजी और संसाधन भी प्रदान करते थे। छोटे जमींदारों का जीवन किसानों के जैसा रहा, लेकिन बड़े जमींदारों का जीवन स्तर छोटे राजा और अमीरों की तरह रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।